हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ख़ास बात शेयर कर रही हूँ। आपने मार्केट में बहुत सारे क्रिस्टल ट्री देखे होंगे और ना जाने कब से देख रहे होंगे। तो आइए आज शेयर करते हैं द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्रिस्टल ट्री। जैसे हम लोग ग्रो करते हैं, हमारी एक एनर्जेटिक बॉडी होती है, फिज़िकल बॉडी होती है। उस एनर्जेटिक बॉडी के बहुत सारे लेयर्स होते हैं और उसी एनर्जेटिक बॉडी में हमारे चक्रास होते हैं जो बिल्कुल कोरिलेट करते हैं हमारी फिज़िकल बॉडी से। जैसे जैसे उनकी कंडीशन होती है वैसे ही रिएक्ट हमारी फिज़िकल बॉडी भी करती है। इसी बेसिस के आधार पर हम लोग हीलिंग करते हैं। इन चक्रास को बैलेंस करके ही ह्यूमन बॉडी एक बैलेंस में आती है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीका ऑफ बैलेंसिंग द ह्यूमन चक्रास इज़ दिस क्रिस्टल ट्री। जैसे ह्यूमन बॉडी में फर्स्ट चक्रा होता है मूलधार, और मूलधार का जो क्रिस्टल रिप्रेजेंट करता है दैट इज़ रेड जेस्पर। नेक्स्ट चक्रा सेक्रल चक्रा, जिसका क्रिस्टल होता है कार्नेलियन। ऐसे ही सातों चक्रा के क्रिस्टल ये ट्री में है। सबसे ख़ास बात ये है, इस ट्री के नीचे ये ऑर्गोन पिरामिड है। ऑर्गोन पिरामिड की अपनी ही खासियत होती है। ऑर्गोन पिरामिड क्रिस्टल की एनर्जी को मल्टीपल टाइम्स बढ़ा देता है। ये जो क्रिस्टल्स इसके अंदर हैं ये है सिट्रीन। सिट्रीन इज़ नोन फॉर अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी, एंड वी हैव वेरियस यंत्रास ओवर इट लाइक कुबेर यंत्रा, अबंडेंस जीबू सिंबल एंड ओम स्वास्तिक। दिस ऑल सिंबल एक्चुअली एनहेंसेज द पावर ऑफ क्रिस्टल ट्री, एंड दिस ट्री इज़ अमेजिंग अमेजिंग फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिल्पी गुप्ता, क्रिस्टल हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, ऑरा स्कैनर एंड लॉट्स मोर टू हेल्प यू आउट इन योर जर्नी फॉर द बेटरमेंट। थैंक यू।